विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सभी सियासी पार्टियां। सूत्रों के मुताबिक आज शाम चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आज दोनों नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु 11 बजे पद ग्रहण करेंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को कल चुना गया था चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की है। देश की जानी मानी कंपनियों ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी कांग्रेस समेत कई पार्टियों को मिला है चंदा। आज से 5 दिनों के लिए मिशन दक्षिण पर रहेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, आंध्र, केरल और कर्नाटक में करेंगे चुनावी सभा। आज तेलंगाना के मल्काजगिरी में पीएम मोदी करेंगे मेगा शो। पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, पहले गरीबों का बैंक खाता खुलना और लोन लेना मुश्किल था। मैंने गरीबों को पूछा भी और पूजा भी। बिहार में आज होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू कोटे के सभी पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को भी मिलेगा मौका। 28 जनवरी को बनी थी एनडीए सरकार। दिल्ली में पशुपति पारस ने दोपहर 3 बजे आरएलजेपी के नेताओं की बैठक बुलाई। आगे की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए से पशुपति गुट को कोई सीट नहीं मिल रही। लोकसभा चुनाव के लिए आज बीएसपी उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट कर सकती है जारी। अब तक बीएसपी ने 7 प्रत्याशियों का नाम घोषित किए। 7 उम्मीदवार में 5 मुस्लिम कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के वडोदरा से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। लॉन्च करेंगे इलेक्शन कैंपेन। पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में राहुल की यात्रा के बाद क्या बदल गए कांग्रेस के हालात, देखिए 9 सेकंड न्यूज। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। पालघर और भिवंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सुबह पालघर में और शाम 5 बजे भिवंडी में होगी जनसभा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए किसानों के लिए 5 गारंटी का किया ऐलान। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की गारंटी, कृषि ऋण माफी आयोग और फसल बीमा का भुगतान 30 दिन में करने की गारंटी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची नासिक। नासिक में राहुल गांधी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई में लोकल ट्रेन से पहुंचे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्टेशन पर स्वागत किया। कहा, जनता का आशीर्वाद लेने और जनता की सेवा करने आया हूं। मुंबई में पीयूष गोयल ने सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन पूजन किया। चुनाव में जीत के लिए लिया सिद्धि विनायक का आशीर्वाद। मुंबई की सभी लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत का दावा भी किया। बीआरएस ने 2 और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पूर्व विधायक अथराम सक्कू को आदिलाबाद और रागिदी लक्ष्मा रेड्डी को मल्काजगिरी से अपना उम्मीदवार घोषित किया। बंगाल में कांग्रेस को लेफ्ट से भी झटका। सीट शेयरिंग पर नहीं बनी है बात। लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। टीएमसी के बाद अब लेफ्ट फ्रंट भी अकेले लड़ेगा चुनाव। महाराष्ट्र में अजित गुट को छोड़कर एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हुए विधायक नीलेश लंके। वसंत मोरे भी एनसीपी शरद गुट में शामिल। महाराष्ट्र के पुणे से बड़े नामों में आते हैं दोनों नेता। 16 मार्च को होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। बैठक में अमित शाह, नड्डा, सीएम योगी रहेंगे शामिल। यूपी के बाद अब देख लेते हैं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की चुनाव जीतने की क्या रणनीति है। सिर्फ 9 सेकंड में पटना में लोकसभा चुनावों को लेकर जेडीयू ने शुरू किया चुनावी कैंपेन। मेरा नेता मेरा अभिमान बढ़ा है बढ़ेगा बिहार नाम से जेडीयू का कैंपेन। कैंपेन के जरिए बिहार में अब तक हुए बदलावों को जनता तक पहुंचाएगी जेडीयू। महाराष्ट्र के नासिक में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं। किसानों और बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जनसेना अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण। उनके खिलाफ फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का श्रीनगर में जागरूकता अभियान कार्यक्रम। स्वीप के तहत छात्रों और फर्स्ट वोटर्स को किया गया जागरूक। बर्फीले मौसम में छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोले सम्राट, बिहार की सभी 40 सीटें जीतनी है और उसी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पंजाब के पटियाला से सांसद परनीत कौर बीजेपी में शामिल। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ज्वाइन कराई पार्टी। परनीत कौर का बयान, जो दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं उनका साथ देने की जरूरत।
परमीत कौर ने बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी है परमीत कौर। कर्नाटक में बीजेपी ने मैसूर में शाही परिवार के राजा को चुनावी मैदान में उतारा। मौजूदा सांसद प्रताप सिम्हा की जगह यदुवीर कृष्णदत्त चमराजा वाडियार को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रयागराज में साधु संतों की चौपाल लगी। साधु संतों का बीजेपी की तरफ रुख है। कहा, जो राम को लाए हैं फिर उनको लाएंगे। अयोध्या के बाद काशी मथुरा की भी बारी है। यूपी के मुरादाबाद में बोली पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा। जयाप्रदा ने चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कहा, पार्टी टिकट देगी तो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार। एसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे शिवपाल सिंह यादव का बयान। कहा, बीजेपी को चुनाव के लिए नहीं मिल रहे उम्मीदवार। यूपी में इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर जीतेगी चुनाव। राजस्थान के जालौर में कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत का विरोध। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने बाहरी उम्मीदवार थोपने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज हैं लाल सिंह। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।